थोड़ा दिन का इंतजार कीजिए, यह खुद मोदी सरकार इस तलवे चाटेगी किसानों की और कहेगी यह कृषि कानून रद्द होगा और MSP पर कानून बनेगा। अरे आप किसको पाकिस्तानी बोल सकते हैं, किस तो खालिस्तानी, सब देशभक्त है और वो 26 जनवरी को हम अपनी देशभक्ति का एक मिसाल कायम करेंगे। पूरी दुनिया देखेगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि यह मोदी सरकार किसानों के साथ कितना अन्याय कर रही है। कृषि कानून रद्द भी होगा और पूरे देश की जनता थूकेगी भी इस मोदी सरकार पे, क्योंकि किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में महिलाएं होंगी, लाखों की संख्या में बच्चे होंगे, हजारों की संख्या में बूढ़े होंगे और लाखों लोग 26 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे। किसान 2 महीने से खुली आसमान के नीचे बॉर्डर पर ठंडी में, ठिठुरती में, बरसात में आंदोलन कर रहा है और लेकिन यह मोदी सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है। मोदी जी, आपका साजिश अब चलने वाला नहीं है। 2014 में भी हम लोगों ने वोट देकर बेवकूफ बन गया। आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ना, हम 15 अगस्त के स्वतंत्र दिवस का भी तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन को 60 दिन पूरे हो चुके हैं और अब 26 जनवरी की अनुमति भी मिल गई है। सरकार ने किसानों को 26 जनवरी की परेड की अनुमति दे दी है, लेकिन कल जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर एक साजिशकर्ता पकड़ा गया और उसने नाम बताए अपने सहयोगियों के कि किस तरीके से हमको 26 जनवरी के लिए तैयार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार इनको अनुमति देने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। लोग जुड़े हुए मेरे साथ बात करने के लिए, 26 जनवरी की अनुमति मिल गई है, क्या लग रहा है, सरकार साजिश प्लान कर रही है आप लोगों के लिए? आपका सवाल जो कल बहुत बढ़िया सवाल है, कल सिंघू बॉर्डर पे परसों जो उन्होंने वहाँ पर पहुँचे कि उसमें मॉर्निंग में वो भी आया कि हम शराब पी के, हमें शराब पिलाई गई और उगलवाया गया, लेकिन इससे पहले भी मौजूदा सरकार ऐसा कारनामा कर चुकी है। जब देश में चुनाव आता है तो वो अपनी कोई भी साजिशें वो जरूर सरकार आंदोलन, जैसे भी मौजूदा किसान आंदोलन चल रहा है, इससे पहले जब 2019 में मौजूदा सरकार थी उसने 2019 में 40 शहादतों के साथ 2019 का चुनाव लड़ा, उसी तरह आज मौजूदा में 5 राज्यों में चुनाव है। किसान आंदोलन 60 दिनों से चल रहा है, पूरे देश की जनता चारों तरफ से, हर राज्य से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह सरकार ऐसी साजिश रच रही है। अगर कोई भी किसानों के प्रति ऐसी कोई भी साजिश होती है तो इसके सिर्फ और सिर्फ सेवन लोक कल्याण मान नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार होंगे और इस सरकार को, तानाशाह सरकार को, ये जो कृषि कानून 11 दौर की बात चोट हो गई, इसमें ये कृषि कानून बिल वापस नहीं ले रही है, लेकिन ये सरकार अपने अहंकार के रास्ते पे चल रही है और किसान जो है वो संघर्ष के रास्ते पे चल रहा है। अहंकार व्यक्ति का टूटता है और संघर्ष हमेशा जारी रहता, संघर्ष विजय प्राप्त करता है और ये किसान विजय प्राप्त करेगा, ये हमारे पिता भाई ये सब लोग विजय प्राप्त करेंगे। इतने लोग आज महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आज महिला दिवस भी है, बालिका दिवस भी है, उनको बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। इनको समझना चाहिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट के उससे बोला गया कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग चले जाएं, लेकिन ये सरकार सिर्फ हमें कमजोर कहना चाहती है। जमीन रोडों पे, इसी रोडों से दिल्ली से और लोग बिहार पहुंच रहे थे, उस समय सरकार क्या सोई हुई थी? उस सरकार को उस समय याद नहीं आया जब युवा रोजगार बेरोजगार था, गरीब सड़कों पर चल रहे थे, भूखे मर रहे थे, उस समय सरकार की हुई सी आज केवल चुनाव है और यह कुर्सी की सरकार है, कुर्सी के लिए यह कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम किसान हैं, अड़े रहेंगे। इस सरकार को यहाँ से संकेत है और चारों बॉर्डरों से संकेत जाएगा, ये 26 जनवरी जो हमारा पहुँचेंगे हम लोग, तिरंगा झंडा तिरंगे की शान होगी और किसान उसका अभिमान होगा और देश सबसे बड़ा अभिमान होगा हमारा। 11 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, फेल, दोबारा तारीख नहीं दी गई है और 26 जनवरी की अनुमति दे दी गई है, क्या लग रहा है, कोई प्लान है सरकार का इसके पीछे? देखिए, 26 तारीख को हम लोग को प्लान मिल गया है, परमिशन मिल गया है, पूरी दुनिया देखेगी 26 जनवरी को। एक तरफ इंडिया गेट और लाल किला पर देश का जवान परेड करेगा तो रिंग रेड पर 1 लाख ट्रैक्टर और 1 करोड़ लोगों के साथ बच्चे, बूढ़े, जवान और किसानों के हाथ में तिरंगा होगा। एक तरफ जवान परेड करेगा तो एक तरफ किसान परेड करेगा, जय जवान और जय किसान का नारा लगाकर परेड किया जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी।
पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि यह मोदी सरकार किसानों के साथ कितना अन्याय कर रही है। किसान दो महीने से खुली आसमान के नीचे बॉर्डर पर ठंडी में, ठिठुरती में, बरसात में आंदोलन कर रहा है, और लेकिन यह मोदी सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है। मोदी जी, आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, पूरा देश देख रही है, और इसका आपको जवाब मिलेगा। इसलिए जवाब मिलेगा, और हम 26 तारीख को इसलिए दिल्ली पहुंचेंगे क्योंकि हम पे आरोप लगा है कि किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो 26 तारीख को हम लोग भी दिल्ली पहुंचेंगे और बता देंगे कौन देशभक्त है, कौन आतंकवादी है। उसी दिन पता चलेगा देशभक्त हम है और ये आतंकवादी ये है भाजपा वाले, जो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, जो हमारे देश के जवान जब शहीद होते हैं वैसे वैसे अन्नम गोस्वामी जो देशभक्त पत्रकार बोलते हैं, वो लोग उनका चैट भी वायरल हो गया, उन वो लोग देश जश्न मनाते हैं, वो लोग देशद्रोही, पता चलेगा 26 तारीख को। और मोदी जी, आपका घमंड टूटेगा क्योंकि रावण का घमंड भी नहीं रहा। अंग्रेज भी बोलते थे कि इस देश से हम नहीं जाएंगे, अंग्रेज भी गए, उसी तरीके से ये घमंड भी टूटेगा और ये कृषि कानून रद्द भी होगा। एक हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, एक चोर को पुलिस थाने में पकड़ कर लेकर आया तो पुलिस ने कहा, चोर से तुम 10 जूता खाओगे या 10 प्याज खाओगे? तो चोर ने कहा कि हम 10 प्याज खाएंगे। तो 10 प्याज खाने लगा, तो 5 प्याज खाने के बाद उसको तीता लगने लगा चोर को। तो चोर बोला कि हम प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो प्याज भी खाया और जूता भी खाया। वही हाल होने वाला है मोदी सरकार के साथ, यही हाल होगा मोदी के साथ। ये कृषि कानून भी रद्द होगा, ये कृषि कानून रद्द भी होगा, और पूरे देश की जनता थूकेगी भी इस मोदी सरकार पे, क्योंकि किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा कि इस एमएसपी के नीचे कानून बनेगा कि जो भी व्यापारी और कंपनी अनाज खरीदेगा उसको जेल भेजा जाएगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और इससे भी बड़ा आंदोलन विकराल रूप लेने वाला है। आप देखते रहिए, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के लोग बोल रहे थे कि बच्चे, महिलाएं और बूढ़े घर चले जाएं। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में महिलाएं होंगी, लाखों की संख्या में बच्चे होंगे, हजारों की संख्या में बूढ़े होंगे, और लाखों लोग 26 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे। इसलिए पहुंचेंगे, आपको पता है महिलाओं को क्यों घर भेजा जा रहा था, बूढ़ों को क्यों घर भेजा जा रहा था, बच्चों को? यह सरकार आंदोलन कमजोर करना चाहती थी। यह आंदोलन नहीं है, यह परिवार है। परिवार में बूढ़े भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, और हमारे जैसे युवा भी होते हैं। जब हमारे बुजुर्ग घर चल जाएंगे, हमारी माता बहनें घर चले जाएंगी, हमारा छोटा भाई घर चला जाएगा, तो इसी तरह तीन हिस्से के लोग तो घर चले जाएंगे और आंदोलन खुद ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। यह मोदी जी, आपका साजिश अब चलने वाला नहीं है। 2014 में हम लोगों ने वोट देकर बेवकूफ बन गया, 19 में भी बन गए, अब हम लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है मोदी जी। हम लोग अपना हक और अधिकार लेकर घर जाएंगे और यह मोदी सरकार का घमंड तोड़कर ही हम लोग जाएंगे, और देखते हैं घमंड कैसे नहीं टूटता है। जब पहले कुछ दिन पहले 2 महीने से तो सरकार आप लोगों को किसान नहीं मान रही थी, और अब 26 जनवरी पर आप लोगों को अनुमति दे दी है, तो सरकार के मुंह पर तो पहले ही तमाचा पड़ गया। ये बात जो आपने कही बहुत अच्छी बात कही, वो बोले कि नहीं बोले, वही चोर वाला हन होगा, प्याज भी खाएगा और जूता भी खाएगा। पहले जब आंदोलन कर रहे थे हम लोग तो बोल रहे थे ये किसान नहीं है, जब बॉर्डर पे आ गए तो बोल रहे थे चंद मुट्ठी भर किसान है, फिर आंदोलन बड़ा हो गया तो बोल रहे ये खालिस्तान देश का मांग कर रहे हैं, बोल रहे थे किसान, यह कृषि कानून रद्द नहीं होगा, अब संशोधन करने पर तुली है। आप देखते रहिए ना, थोड़ा दिन का इंतजार कीजिए, यह खुद मोदी सरकार इस तलवे चाटेगी किसानों की और कहेगी यह कृषि कानून रद्द होगा और एमएसपी पर कानून बनेगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोगों ने तो हमारा सब्र का परीक्षा ले रही है सरकार। हमारे किसान के बेटा है, गरीब का बेटा है, जमीन को चीर कर अनाज उगा कर इस देश को खिलाते हैं मोदी जी। आपका भी सीना चीर कर हम लोग अपना अधिकार ले लेंगे, हम लोग हटेंगे नहीं। हमारे 200 किसान भाई शहीद हो गए हैं, तुमने एक ट्वीट नहीं किया है मोदी जी, लेकिन अमेरिका में एक छोटी घटना घटती है तो उस पर ट्वीट करते हो, इसका सारा बदला लिया जाएगा मोदी जी। और हम लोग कह देते हैं यहीं से, तुम जितना तुम सोच रहे हो किसानों को थका देंगे और घर भेज देंगे, हम थकने वाले नहीं हैं, यहीं रुकेंगे चाहे 2022 आ जाए। आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ना, हम 15 अगस्त के स्वतंत्र दिवस का भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तुमसे लड़ाई लंबा चलेगा क्योंकि खेतों में मरने से अच्छा है
कि हम अपने अधिकार, हक और अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, हम डरेंगे नहीं। इसके बाद से कितनी सहमति रखते हैं, थोड़े दिन और रुकेंगे तो सरकार पीछे हट जाएगी? सरकार संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, साजिशों से नहीं बुझने वाली, ये आग है किसानों की। इस सरकार को झुकना पड़ेगा और ये जो अहंकार के रास्ते पे चल रही है सरकार, हम झुका के रहेंगे। अभी तो इसकी शुरुआत है, अंजाम और आगे जाएगा। मोदी जी अभी असर और बंगाल के दौरे पे हैं। अरे दिल्ली में आके देखिए, रोडों पे इतना किसान बैठा हुआ है, उस किसान की सूची है। आप तो प्रचार मंत्री बन के केवल दौरा कर रहे हैं और आप जिस मास्क का संकेत देते हैं वो मास्क भी नहीं पहन के चलते हैं। ये मौजूदा सरकार जो है ये अपने अहंकार से टूटेगी, क्योंकि किसान अब एक एक जत्थे के साथ पूरा 1 करोड़ किसान सब यहाँ, युवा नौजवान बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। अरे आप किसको पाकिस्तानी बोल सकते हैं, किसको खालिस्तानी, सब देशभक्त है। और वो 26 जनवरी को हम अपनी देशभक्ति का एक मिसाल कायम करेंगे। जो हमारे बाबा गांव से आके परेड नहीं देख पाते थे, वो हमारे बुजुर्ग बाबा भी परेड देंगे। अपने 55 वर्ष की उम्र में, भारत जब संविधान लागू हुआ था उन्होंने 55 वर्ष की उम्र में दिल्ली नहीं देखी है। आज ये ऐसा शुभ अवसर है अपने हक के लिए यहाँ पहुंचे कि वो दिल्ली भी देख लेंगे। ऐसा बड़ा जन आंदोलन और क्या हो सकता है, जब हमारे बाबा हमारे पिता आंदोलन शरीक होके और 26 जनवरी न देख पाए। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र जनता का है और जनता द्वारा सरकार है, ना कि सरकार के द्वारा जनता है। और इस सरकार तानाशाह सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, बंगाल में क्या होगा? बंगाल में इसका खामियाजा भुगतेगी बीजेपी? बंगाल में खामियाजा भुगतेगी, क्योंकि अब तुष्टिकरण की राजनीति नहीं रही है। अब आप हिंदू मुस्लिम में बांटना बंद करिए। आप पहले CNRC लाए, उस समय मुस्लिम हिंदू लड़ाए, किसान लाए, जो हमारे सिख भाइयों ने इसको वो किया, उसमें आप इसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी ये लाए। लेकिन सरकार अब कमजोर हो गई है, अब तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेगी। अब प्रत्येक व्यक्ति जाग चुका है इस सरकार के खिलाफ, और ये सरकार को यहाँ से आह्वान नहीं, पूरा आश्वासन है कि ये सरकार झुकना पड़ेगा, ये अब कमजोर नहीं सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये आंदोलन हो गया है, हम सबका, हमारे बुजुर्गों का, पूरे देशवासियों का। ये जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी के चलते तो ये मोदी सरकार 1.5 साल के लिए इस कानून को स्टे लगाना चाहती है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। तो ये सरकार सोच रही है किसी तरह आंदोलन चलेगा तो चुनाव में हमको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, हमको जनता हरा देगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, हरियाणा के जब किसान भाई वहाँ के CM साहब खट्टर साहब किसानों के कृषि कानून के समर्थन में रैली कर रहे थे, तो वहाँ के किसान उनके मंच उखाड़ दिए और उनको बैरंग लौटा दिया, उनको भगा दिए। तो समझ सकती हैं किसानों में कितना नाराजगी है। इसीलिए अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, इसलिए सरकार सोच रही है इस कानून को 1.5 साल रोक देते हैं और हरियाणा, पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाओ और फिर ये कानून लगा देंगे। इसलिए रोक रहे हैं ये कानून को। लेकिन मोदी जी, हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाने वाले हैं। तो आपने देखा 26 जनवरी को लेके किसानों के अंदर किस तरीके का जोश है। हमने अभी बॉर्डर पर लोगों से बात करी, बिल्कुल तैयार हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। और अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों को ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल देने से मना किया जा रहा है, तो ये 26 जनवरी से पहले ही सरकार की एक साजिश बन गई है कि इनके ट्रैक्टर में पेट्रोल ही ना डाला जाए ताकि ये जाएं किस तरीके से। लेकिन जब सवाल हमने किया तो इनके जो हौसले हैं वो बिल्कुल बुलंद है और इनको अब कोई नहीं रोक सकता है सरकार के अकल ठिकाने लगाने से। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।